सबसे पहले तो यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे प्री बी एड एम एड की वेबसाइट। तो यहाँ पर हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, pbmet2021.com, इसे सर्च कर लेंगे यहाँ पर। और इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप वहाँ से भी सीधा इस पर लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा वेलकम टू PMET 2021 एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे और प्री बी एड एम एड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट यानी आवेदक का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आवेदक का नाम दर्ज कर लेते हैं 10th की मार्कशीट के अनुसार। उसके बाद में यहाँ पर फादर्स नेम टाइप करेंगे और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ से पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मदर्स नेम टाइप कर लेंगे आवेदक की। चलिए हम यहाँ पर आवेदक की माता का नाम दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, फ़ोटो की साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ भी आप देख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो थर्ड स्टेप आपको दिखाई देने लग जाएगी। उसके बाद में यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मैरिड स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, मैरिड अनमैरिड जो भी है। उसके बाद में यहाँ से स्टेट ऑफ बोनाफाइड यानी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे आवेदक की, राजस्थान। उसके बाद में ज़िला सेलेक्ट करेंगे आवेदक का और यहाँ पर कैटेगरी, यहाँ पर आवेदक की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, SC ST OBC जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर माइनॉरिटी यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। और इनमें से यदि हैं केवल ये ST कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है, यदि टांडा सहरिया है तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नॉन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में सीधा नीचे आएंगे और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डिटेल फिल कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आवेदक का एड्रेस कंप्लीट भर लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से राज्य सेलेक्ट कर लेंगे आवेदक का रेजिडेंस राज्य। उसके बाद में यहाँ से ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पिन कोड दर्ज कर लेंगे आवेदक का और यहाँ पर कॉरेस्पोंडेंस डिटेल यानी आवेदक के पत्राचार का पता, यदि सेम है पता तो ऊपर दिया हुआ पता सेम या सेम टू सेम फिल कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आवेदक का पत्राचार का पता कंप्लीट भर लेते हैं। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ से ज़िला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एरिया पिन कोड दर्ज कर लेंगे और यहाँ पर आवेदक की ईमेल आईडी। तो चलिए हम यहाँ पर आवेदक की ईमेल आईडी दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज कर लेंगे और यहाँ पर फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन वो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी है। तो चलिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं आर्ट्स। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे BA और यदि अदर सब्जेक्ट या अदर स्ट्रीम है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास में BA है अवेलेबल तो BA सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे ग्रेजुएशन लेवल के, ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, दो टीचिंग सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये टीचिंग सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्टों के अनुसार ही भरे जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 2 टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, एक हम यहाँ पर ज्योग्राफी ले लेते हैं क्योंकि ज्योग्राफी ग्रेजुएशन में था और दूसरा हम SST ले लेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से पूरी गाइडलाइन पढ़कर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एनुअल इनकम वो दर्ज कर लेंगे आवेदक की वार्षिक आय।
उसके बाद में यहाँ से एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर जयपुर ही आएगा पूरे राजस्थान का। उसके बाद में स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पर आवेदक का बैंक खाता विवरण दर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, आवेदक का खाताधारक का नाम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर इस बॉक्स में खाताधारक का नाम दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में नीचे वाले बॉक्स में बैंक का नाम लिख लेंगे, कौन सी बैंक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में ब्रांच नेम, खाता किस ब्रांच में है, वो यहाँ पर हम दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में नीचे वाले बॉक्स में सिटी, किस सिटी में खाता खुला हुआ है, आया ब्रांच कौन सी सिटी में है, वो भी यहाँ से टाइप कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में बैंक आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड यहाँ पर हम दर्ज कर लेंगे बैंक पासबुक में देख कर सही सही। उसके बाद में यहाँ पर अकाउंट नंबर, आवेदक का अकाउंट नंबर दर्ज करें और यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल भर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले 10th की डिटेल बिलअप कर लेते हैं। तो बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे या उसके बाद में ईयर सेलेक्ट करेंगे, कौन सी ईयर में पास किया। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क यानी कितने में से आए हैं वो दर्ज करेंगे और यहाँ ऑब्टेंड मार्क यानी कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। और बाहर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर 12वीं की डिटेल फिलअप कर लेंगे, तो यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर कौन सी ईयर में पास करी है वो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स वो दर्ज कर लेंगे और यहाँ पर ऑब्टेंड मार्क ये दर्ज कर लेंगे। बाहर क्लिक करेंगे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में ग्रेजुएशन की सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर लेते हैं, UOK कोटा। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है आप वो दर्ज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, किस ईयर में आपने पास किया है वो। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क टोटल कितने में से नंबर आए हैं वो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। उसके बाद में ऑब्टेंड मार्क कितने नंबर आए हैं वो दर्ज करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन फैकल्टी सेलेक्ट कर लेंगे, आर्ट्स कॉमर्स जो भी है, तो हम आर्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आर्ट्स हैं। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेटस, पास कर रखा है या अपेयरिंग है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल, कौन सा कोर्स यानी स्ट्रीम वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर या टाइप कर लेंगे हम। तो चलिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज कर लेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया है वो यूनिवर्सिटी का नाम हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो ईयर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे पासिंग ईयर। तो चलिए हम यहाँ से ग्रेजुएशन ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस भी ईयर में आपने या जिस भी सन में पास किया है। उसके बाद में यहाँ पर मैक्सिमम मार्क यानी कितने में से आए हैं वो नंबर हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद में मार्क ऑब्टेंड्स, तो यहाँ पर जितने मार्क प्राप्त हुए वो हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे और बाहर क्लिक करेंगे परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड इस बटन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और एक बार फॉर्म वेरीफाई कर लेंगे। फॉर्म वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन दिखाई देने लगेगा आपको, तो मेक ए पेमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आवेदक की ईमेल आईडी दर्ज कर लेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन खुल जाएंगे। आपके यहाँ पर किसी भी ऑप्शन से पे कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई सा भी कार्ड। उसके बाद में यहाँ पर UPI से आप पे कर सकते हो या QR कोड के थ्रू, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर UPI से पेमेंट करते हैं, तो UPI पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी आपके पास में दो ऑप्शन है, UPI ID और QR कोड। तो हम यहाँ पर QR कोड के जरिए पेमेंट करेंगे, तो यहाँ शो QR कोड यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर किसी भी UPI ID, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी
यूपीआई से आप पे कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पे करने के लिए इस क्यूआर कोड को अपने यूपीआई ऐप में स्कैन कर लेंगे और पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट कर देंगे तो ये आगे प्रोसेस हो जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल डन हो गया है और यहाँ पर प्रिंट इनवॉइस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसका पहले प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। उसके बाद में प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे और फॉर्म का भी प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म खुल गया है। उसके बाद में क्लिक हेयर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। आई होप कि आपको जानकारी कैसी लगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको मिले सबसे पहले।